चैनल में। दोस्तों आप सभी ने होपफुली इस आईपीओ में जरूर अलॉटमेंट किया होगा, या नहीं भी किया है तो नेक्स्ट प्रोसेस में आप जब भी अलॉटमेंट करेंगे तो आप जान लेंगे कि आपके अंदर जो उत्सुकता है वो उत्सुकता स्टेटस जानने की होती है। जिस तरह से आप किसी एग्जाम देकर के आते हैं किसी भी जॉब का या फिर किसी और चीज का या इंटरव्यू देकर के आते हैं, तो आपके अंदर उस चीज के स्टेटस जानने की डेफिनेटली बहुत ही उत्सुकता होती है, और जो कि स्वाभाविक सी बात है, होनी भी चाहिए। तो आपने हैप्पीएस्ट माइंड में अप्लाई किया है या फिर किसी और कंपनी में अप्लाई किया है, तो आप वो बहुत ही आसानी से जान सकते हैं आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। तो क्योंकि जब अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर लोग लिस्टिंग के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर लिस्टिंग अच्छी होता है तो फिर वो मुनाफा अच्छा कमाए। तो आपके लिए मैंने ये काम बहुत ही आसान कर दिया है, आपको बस मैंने लिंक दे रखा है अपनी वेबसाइट का। आपको क्या करना है, यहाँ पर बस इस लिंक पे क्लिक करना है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि जैसे कि यहाँ पर इशू टाइप जैसे कि मैंने इक्विटी डाल दिया है, इक्विटी ही आपने अप्लाई किया होगा, और आपको इशू नेम मतलब कंपनी का नेम, और ये आईपीओ कंपनी का नेम, किस कंपनी के जरिए आपने अप्लाई किया है। तो जैसे कि मैंने हैप्पीएस्ट माइंड का अप्लाई किया है, बट यहाँ पे वो सारे के सारे आईपीओस नहीं आएंगे, वही आएंगे जहां पे उनकी डेट ऑलमोस्ट एक दिन पहले की या फिर एक दिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी दिन की होगी। तो जैसे कि जो ये आईपीओ नजर आ रहे हैं, इसमें इन सब की डेट ऑलमोस्ट आज की है या फिर कल की है। तो रूट मोबाइल या रूट मोबाइल के आने वाली या आज या एक दो दिन पहले की मतलब होगा यहाँ पे, तभी आपको नजर आएगा। तो उसकी उसको बोलते हैं टेंटेटिव डेट्स, मतलब वो आगे पीछे हो जाती है। तो हैप्पीएस्ट माइंड कल आज ऑलमोस्ट आज अलॉटमेंट हो चुका है उसका। तो चलिए हम चेक करते हैं कि, और फिर से बता रहा हूँ, ये सभी आईपीओ नहीं आएंगे, वहां पे जिनकी डेट अलॉटमेंट के करीब होगी और वही दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं हैप्पीएस्ट माइंड का अलॉटमेंट चेक करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन नंबर डालता हूँ। सो सपोज आपको एप्लीकेशन नंबर शायद आपको नहीं पता होगा, सपोज जैसे आप जरोधा का अकाउंट है या किसी भी और कंपनी का अकाउंट होगा आपका ब्रोकर का, तो वहां पे जाकर के आप स्टेटस में चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड में अप्लाई किया था, तो ये एप्लीकेशन नंबर सपोज में मुझे मिल गया है, लेकिन ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है तो आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। सपोज मैंने जैसे कॉपी किया था तो कॉपी ये पेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं मैन्युअली डालता हूँ, VH कम से कम 1 2 3 4, ओके जो भी है, ठीक है। मैं ऐसे डाल देता हूँ नंबर, ठीक है, और मैं पैन नंबर डालता हूँ, जैसे कि आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा, ABCDE। ठीक है, देखिए मैंने ये दिखाने के लिए आपको किया है बस, जरूरी नहीं किया मैं अपना पैन नंबर अभी, मतलब जैसे सपोज मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे सर्च करना होगा और आप यहाँ पर आपका स्टेटस नजर आ जाएगा नीचे की तरफ। आपका कोई रिकॉर्ड अगर नहीं होगा तो यहाँ पे दिखाएगा कोई रिकॉर्ड नहीं, नो रिकॉर्ड रिकॉर्ड फॉर्म। तो जहां तक मुझे लगा है कि मुझे अभी अलॉटमेंट नहीं मिला है, क्योंकि मैं लकी नहीं था और यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को अलॉटमेंट दिया गया है। 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है, जो कि बिल्कुल अनफेयर है, और बाकी का जो सबसे ज्यादा है वो KIP के जरिए दिया है, वो 75 रखा गया है, और HNI के लिए 15% रखा गया है, जो कि अनफेयर है बिल्कुल, और वो मुझे पसंद नहीं है। पर्सनली मैं बोलता हूँ मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि 10% में और इतनी ज्यादा बिडिंग आई थी, 15,000 करोड़ से ज्यादा का जो है अलॉटमेंट इस पे सब्सक्रिप्शन आया है, बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अलॉटमेंट मिले और आप इसी तरह से पैसे कमाएं और अच्छी लिस्टिंग पे मुनाफा कमाएं, ये मेरी आशा है। धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और आप हमारे इस वीडियो पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अभी के लिए इतना ही, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है।